Hi guys, how are you? Welcome to the class. How are you guys? Welcome, welcome, welcome. गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरी वन नाव यू गाइज वेलकम टू द्लास चलो काफ़ी सारे तो आ गए हैं लेट एवरीबडी ज्वाइन इन टॉपिक आज का हमारा ठीक है टॉपिक जो हमारा आज का है दिस इज अबाउट एसकॉन ठीक है आर्मी स्टार्टिक स्विच कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे हम लेट एवरीबडी ज्वाइन इन आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू टू गाइज आर्मी स्टार्टिंग स्विच कम्युनिकेशन नेटवर्क वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ईस्टर्न लद्दाख पॉइंट ऑफ व्यू और जो कम्युनिकेशन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करा जा रहा है तो गवर्नमेंट इज टेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स ठीक गवर्नमेंट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द कंटेक्सट ऑफ कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी ओके सो लेट्स सी धीरे धीरे सब ज्वाइन कर लो आप लोग ठीक है ठीक है एवरी वन इज ज्वाइनिंग एन दुर्गा माता की जय सही में नवरात्रे आने वाले हैं आप सबको आने वाले नवरात्रों की भी काफी सारी शुभकामनाएं नवरात्रे आने वाले हैं और त्यौहार का मौसम चालू होने वाला है भारतवर्ष के अंदर ठीक है द ओनली थिंग इज दैट कि कोरोना के माहौल के अंदर एक भारत के अंदर एक अलग लड़ाई भी चल रही है आप सबको मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए वी ऑलरेडी नो दैट तो आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज रिलेटेड टू एसकॉन ठीक है इसके ऊपर बात करेंगे न्यू कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर इंडिया आर्मी सेवन सेवन नाइन सिक्स पॉइंट थ्री सिक्स करोड़ का सिस्टम है ये वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम स्लोली एंड स्टडीली स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग इन मैं सबका बस वेट कर रहा हूं ठीक है यस करोना तो नहीं जा रही है वो प्रॉब्लम तो है ठीक है बट आई होप दैट वी कीप ऑन फाइटिंग इट ठीक है सो एस्कॉन इज बेसिकली और आर्मी स्टैटिक स्विचड कम्युनिकेशन नेटवर्क ठीक है थोड़ा सा बस वेट कर लेते हैं एक दो मिनट सो दैट और स्टूडेंट जुड़ जाए सो so दैट uh, कोई uh, ज्यादा मेरा इसमें लंबा इंट्रोडक्शन भी नहीं है सीधा हम टॉपिक पे पहुंचेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको बतानी है जो मेरा अगला लेसन कल होने वाला है कल की क्लास जो हमारी है वो दस बजे होगी ठीक है टुमारो टेन ओ क्लॉक वुड बी द नेक्स्ट क्लास ठीक है उसके बारे में बता दूंगा मेरा नाम संजय कुमार सिंह है आप मुझे यहां पर देख सकते हैं आई एम ऑफ द प्रेस्टीजियस आई एम एहराधून एंड आई एम सी न्यू डेली यूपीएससी सी और एस मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करा था फ्रॉम थर्टी फोर एस अलाहाबाद जिसका एक मिथ बना रखा है कि वो एक रिजेक्शन सेंटर है बेसिकली इंटेलिजेंस ब्यूरो अंडर एंड डिफेंस जर्नलिज्म और जनरल स्टडीज एस एस बी द हिंदू और जनरल स्टडीज के बहुत सारे टॉपिक्स को मैं लेता हूँ और जो मेरा कोर एरिया है वो है सिक्योरिटी एनालिसिस और इस टाइप के टॉपिक्स आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे और अगली जो चीज़ है पर्सनैलिटी एंड साइकोलॉजिकल एनालिसिस फॉर एस एस बी इंटरव्यू प्रिपरेशन ठीक है तो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच आई बेसिकली केटर टू तो, ठीक है और यहाँ पर आप मुझे फोटोग्राफ्स वगैरह में देख सकते हो और अगर आपको अन अकेडमी प्लस ज्वाइन करना है तो मेरा रेफरल कोड है संजय टू अगर आप इसको यूज करोगे तो आपको इससे टेन परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा और मैं अन अकेडमी शौर्य पर भी क्लासेस लेता हूँ जो अन अकेडमी का डिफेंस का यूट्यूब चैनल है वहां पर भी आप मुझे फॉलो जरूर करिए ठीक है तो मैं अन अकेडमी शौर्य पर भी लेता हूं और ये मेरा खुद का चैनल है ठीक है ओके तो क्रेडिट टू ऑल पेपर्स विच हैव हेल्प मी इन डूइंग द एनालिसिस ठीक है तो अब हम सीधा टॉपिक की तरफ आते हैं एस्कॉन ठीक है अब आते हैं हम सीधा टॉपिक की तरफ विच इज बेसिकली योर एस्कॉन ओके और एस्कॉन क्या है आर्मी स्टैटिक स्विच कम्युनिकेशन नेटवर्क आर्मी स्टैटिक स्विच कम्युनिकेशन नेटवर्क फेज फोर टॉपिक पे आने से पहले अगर हम करंट सरकार की बात करें जो एनडीए की सरकार है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल है ठीक है जो 2019 में आई और 2014 से अगर मैं देखूं तो आई एव बीन सीइंग दिस पार्टी काफी एरियाज पर गवर्नमेंट पर बहुत क्वेश्चन मार्क्स उठते हैं बट देर इज वन एरिया वेयर गवर्नमेंट हैज डन ट्रिमेंडियसली गुड वर्क उसके काफी सारे रीजन हो सकते हैं जेड, बट जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ चाहे वो कम्युनिकेशन की बात करूँ हथियारों की बात करूँ हथियारों में टेक्नोलॉजी की बात करूँ काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है इसमें हम ये बात जरूर जोड़ सकते हैं कि सर कोरोना की वजह से सरकार को चाइना की तरफ से काफी जोर का झटका लगा जिसकी तरफ से काफी पैनिक बाइंग भी हुई है आई विल एग्री विद यू दैट कि हमने काफ़ी सारी पैनिक बाइंग या इमरजेंसी बाइंग करी है जो शायद हम अगले पांच दस या पंद्रह साल में फौज के लिए नहीं खरीदते बट आई विल टेक दिस एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है और हमारी फौज को काफ़ी सारा सामान से लेस करा जा रहा है जो उनकी काफ़ी टाइम से डिमांड थी ये बात जरूर कहनी चाहिए कि एक गलवान की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी ये सब करने के लिए बट राइट नाउ आई विल वॉन्ट टू सी ऑन द साइड की दी फाइनली दी फोर्सेज आर गेटिंग इफ गलवान कुड हैव बीन अवॉइडेड और हम सबको पता वो चाइना ने वहां पर क्या करा और अगर चाइना आगे ही करेगा तो उसको पता ही है जैसे गलवान में उसे जवाब मिला वैसे ही आगे भी मिलेगा ठीक है जैसे आज इंडियन एयरफोर्स के चीफ भडूरिया साहब ने बोला है कि अगर चाइना को पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है इंडिया से वॉरफेयर करने के लिए तो क्या ही बोला जाए आगे ठीक है तो पाकिस्तान की तो धज्जा उड़ा दी भडूरिया साहब ने और चाइना की भी इनडायरेक्टली धज्जा उड़ा दी कि अगर पाकिस्तान की जरूरत चीन को है तो इससे चीन के मनोबल और चीन के ताकतवर होने पर भी एक क्वेश्चन मार्क उठता है ठीक है इसी टॉपिक पर आगे बढ़ते हुए जब गलवान का इश्यू हुआ गलवान के अंदर अगर मैं आपको बोलूं थोड़ी सी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी कि वहां पर जो बेसिक मुद्दा था कि चाइना वांटेड टू ऑक्यूपाई दौलत बी गोल्डी डीबीओ रोड को ऑक्यूपाई करना चाहता था डीबीओ का जो भारत का जो अपने प्लेन्स लैंड कर सकता है एयरपोर्ट पे विच कैन बेसिकली बहुत अच्छी हाइट पे है जो वो सीपेक को भी टारगेट कर सकता है जो गिलगिट बल्टिस्तान से गुजरता है और दूसरी साइड पर जब तक चाइनीज प्लेन्स आएंगे वी वर ऑलरेडी ऑन अ हाइट टू डेसीमेट दैम तो उनका बेसिक प्लान तो कैप्चर इट और देवर ऑन अ वेरी मच शॉक कि भारत ने इतने सारे नेशनल हाईवेज कैसे बना लिए और 2021 तक मैक्सिमम नेशनल हाईवेज जो कनेक्टिंग है आपके बॉर्डर स्टेट्स विद चाइना कंप्लीट कर दिए जाएंगे एंड दिस इज़ बीइंग डन एट अ रैपिड पेस जब आप और हम अपने घरों के अंदर कोरोना से लड़ रहे हैं हमारी जो फ़ौज है हमारी जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी सरकार है वो एक से एक रोड बनाने की कोशिश कर रही है अलग अलग जगहों पर ताकि जो फौज को सामान जल्दी से जल्दी पहुँचाया जा सके अब जैसे रोड है रोड होते हैं कनेक्टिविटी के लिए किस तरह की कनेक्टिविटी ट्रकों से माल सप्लाई करना हथियारों से सप्लाई करना ताकि आपके सैनिक के पास खाना पहुंचे आपके सैनिक के पास हथियार पहुंचे एक से एक हथियार पहुंचे जिससे युद्ध में लड़ा जा सके तो दिस इज वॉट रोड्स विड डू तो रोड्स आर नेटवर्क ऑफ वॉट किस के तरीके के रोड क्या प्रोवाइड करते करते हैं हैं नेटवर्क्स आपको ठीक है चाहे फ्रंट बॉर्डर्स पे इस तरीके का कम्युनिकेशन हो जिससे चाइना इंटरसेप्ट ना कर सके और दूसरी बात वो हाईली डिकोडेड और डिक्रिप्टेड फॉर्म में हो ठीक है इसकी इंपॉर्टेंस भारतीय सेनाओं ने सरकार के सामने बहुत दशकों से रखी हुई थी बट धीरे धीरे इस पर काम हुआ है और इसी लड़ी के अंदर जो हमारे पास नई न्यूज आई है उसका नाम है एसकॉन आर्मी स्टैटिक स्विच कम्युनिकेशन नेटवर्क फेज फोर आप यहां पर देखिए फेज फोर लिखा हुआ है यानी इससे पहले भी इसके काफी सारे फेजेस रहे हैं तो दिस इज वेरी डायर नीड भारतीय थल सेना की काफी टाइम से डिमांड थी ताकि उनको इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन नेटवर्क मिले जो एकदम बॉर्डर पे कमांड सेंटर्स हैं वहां तक हो सके अब इससे बहुत ही आसान सा सवाल है कि ऐसे कम्युनिकेशन नेटवर्क की क्या नीड है अब जरा सोचिए कि जब आप बॉर्डर पर होते हैं आप अपने घर पर फ़ोन करना चाहते हैं तो कई बार बोलते हैं यार वोडाफोन का सिग्नल नहीं मिल रहा आइडिया का सिग्नल नहीं मिल रहा या फिर आप बात नहीं कर पाते आप सोचिए बॉर्डर के अंदर जब लड़ाई चल रही होगी और आपका जो दिल्ली का हेडकोार्टर है वो बात करना चाहता है कमांड नेटवर्क से या फिर ब्रिगेड नेटवर्क से या ग्राउंड ट्रूप सिचुएशन चाहता है तो यही जो आपके नेटवर्कस होते हैं इस पर बात करी जाती है व्हाट्सएप पे थोड़ी कॉल करेंगे ठीक है तो ये बहुत सिक्योर नेटवर्क्स होते हैं इनको बिछाना पड़ता है इनके आपके जो सामान है उसको लगाना पड़ता है टावर्स लगाने पड़ते हैं ताकि कम्युनिकेशन करी जा सके क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे जो युद्ध है युद्ध में को जीता वो नहीं है कि जो बहुत ज्यादा ताकतवर है युद्ध को जीतने का सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके पास इंफॉर्मेशन है अगर आज के युद्ध की आप बात करेंगे अगर आप आज की बात करेंगे आज के दिन में युद्ध वो जीतता है जिसके पास इंफॉर्मेशन है जिसके पास न्यूज़ है जिसके पास खबर है जिसके पास और ये खबर मैं ये अपने टीवी चैनलों की खबर की बात नहीं कर रहा हूं जो आपके पास क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है इंफॉर्मेशन है कि उसके पास क्या हथियार है, है मेरे पास क्या टेक्नोलॉजी है ये क्या करने वाले अगर आपने वर्ल्ड वॉर विश्व युद्ध वन प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध लहर के बारे में सुना है यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर के बारे में सुना होगा तो उसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को काफी हद तक करा गया है तो उसी के अंदर उसी स्टेजेस में आगे बढ़ते हुए आज जब सारे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स कोलेटेड है तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंडियन आर्मी का थल सेना का आपका डिफेंस नेटवर्क है वो बहुत ही ज्यादा इनक्रिप्ट uh, इनक्रिप्टेड uh, रहे जिसको जल्दी से कोई डिक्रिप्ट ना कर ले ठीक है और बहुत स्ट्रॉन्ग रहे और उसके अंदर नई नई चीजें करी जा रही है जिसके ऊपर हम बात करेंगे यहां पर मैं आपको बस छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता था, था कि एस्कॉन सिस्टम आपका बेसिकली है क्या ओके okay. तो इट इन अ मैसिव बूट फॉर द इंडियन डिफेंस सेक्टर द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हैज गिवन इट्स नॉट फॉर द आर्मी स्टैटिक स्टैटिक स्विच कम्युनिकेशन नेटवर्क फेज फोर ऑफ द इंडियन आर्मी ओके ठीक है और ये जो आपका नेटवर्क है इस नेटवर्क को इस प्रोजेक्ट को कौन करने वाला है इस प्रोजेक्ट को भारत का ही पीएसयू आई टी आई करने वाला है लॉन्ग पेंडिंग डिमांड ऑफ द इंडियन आर्मी एंड द प्रोजेक्ट हैज बीन गिवन टू आईटीआई और पीएसयू एंड इट विल बी इंप्लीमेंटेड विद इन थर्टी सिक्स मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट कोई बच्चा पूछ रहा था कि इस प्रोजेक्ट को कौन इंप्लीमेंट करने वाला है इस प्रोजेक्ट को आईटीआई जो हमारा पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो इसको करेगा ठीक है ओके एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज अराउंड सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड नाइनटी सिक्स करोड़ मैंने थ्री सिक्स करोड़ बोला था एस्टिटेड कॉस्ट ऑफ द दराउंड सेवन सेवन सिक्स करोड़ नेटवर्क विल एक्सटेंड द हाई बैंडविड कम्युनिकेशन टू द रिमोट ऑपरेशनल एरियाज इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न सेक्टर एंड इनहस द कम्युनिकेशन रीच टू फॉरवर्ड लोकेशन इन द वेस्टर्न बॉर्डर टू ठीक है तो अब क्या करेगा कि जैसे मैं यहां पर खड़ा हुआ ठीक है मैं यहां पर खड़ा हूं और मेरे हाथ की लंबाई यहां तक है ठीक है यहां पर तक मतलब यहां तक मेरी जा रही है ठीक है डिस्टेंस अब पहले वाला कम्युनिकेशन नेटवर्क यहीं तक था अब ये क्या करेगा एक पैर मैंने और लगाया और आगे तक पहुंच पाएगा ठीक है यानी कि रीच ऑफ द कम्युनिकेशन नेटवर्क विल इंक्रीज तो खासकर जो हमारे फार फ्लंग एरियाज और बॉर्डर एरियाज है जहां पर कम्युनिकेशन नेटवर्क स्ट्रांग होता है और रिले नहीं हो पाती है इंफॉर्मेशन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा खासकर इंडियन आर्मी वाई इंडियन आर्मी बिकॉज दीज आर बूट्स ऑन द ग्राउंड बोलते हैं ना बूट्स ऑन द ग्राउंड यही तो है आपके जवान जो जमीन पे रहेंगे तो नेटवर्क हाई बैंड बैंडवर्थ कम्युनिकेशन है जैसे हाई बैंडवर्ड आप बोलते हो ना कि यार टेन एमबीपीएस की स्पीड आ रही है ट्वेंटी एमबीपीएस की स्पीड आ रही है हंड्रेड एमबीपीएस की स्पीड आ रही है फाइव हंड्रेड एमबीपीएस की स्पीड आ रही है तो उसी स्पीड से ये डेटा भी ट्रांसफर हो पाएगा और सर, जो आपकी सैनिक है और जो आपकी फॉर्मेशन हैं वो इस लेवल पे बात कर पाएंगी तो आप में से जो बच्चे फौज में जाना चाह रहे हैं आपको इसके बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए आपके एसएसबी में या फिर आप सी की तैयारी करें तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू शुड नो आई

उन्होंने बोला है कि अगर मद्देनजर रखा जाए जो खास करें एल पे डेवलपमेंट चल रही है यानी कि जो भारत चीन बॉर्डर की बात करी जा रही है जो आपके लद्दाख का बॉर्डर है क्योंकि तो मैकमोहन लाइन आपके अरुणाचल की तरफ है जो एल है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो आपके अक्साई चीन और भारत के मुद्दे पर बात कर रहे हैं आपके डिफेंस मिनिस्टर और गलवान के मुद्दे की बात कर रहे हैं कि जैसे जो चीन के साथ भारत का इस वक्त माहौल है उसको मद्देनजर रखते हुए ये जो काम करा जा रहा है ये बहुत ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि तो अब तक हम सबको रियलाइज हो गया अभी थोड़े दिन पहले ही आपके फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना ने बोला था कि लद्दाख भी उनका इलाका है लद्दाख को भारत ने ले रखा है तो चीन के जिस तरीके से अभी हमें कदम दिख रहे हैं और उसके जो नक्शे कदम दिख रहे हैं उससे साफ बात ये जाहिर हो जाती है कि इट इज़ नॉट गोइंग एनी इट इज़ वेटिंग फॉर द विंटर्स इट इज़ इन इनक्ल्यूजन विद द पाकिस्तान to take that territory and we are very sure that we will definitely give them a bloody nose when it would be the needed to decimate the chinese and pakistan when the need arrives and indian army air force and the navy are bloody well capable of doing so theek hai yani isi baat ko agar main hindi mein rakhun to जो चीन और पाकिस्तान अलग अलग तैयारी कर रहे हैं भारत को सताने के लिए तो भारतीय सेनाएं चाहे वो नेवी की हो आपकी एयरफोर्स की हो या आर्मी की हो उनके पास सारा सामान है सारे हथियार हैं जो पाकिस्तान और चीन को मसलने में काबिल रहेंगे ठीक है तो एनी वेज यहाँ पर ये यह बोला गया है ये जो कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ इंडियन आर्मी है ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा खासकर आपके ईस्टर्न नेटवर्क पर वेस्टर्न सेक्टर्स में तो यूज होगा ही होगा बट अभी के टाइम पर ईस्टर्न सेक्टर खासकर जो लद्दाख का ईस्टर्न लद्दाख की मैं बात कर रहा हूँ वहां पर बहुत ज़्यादा नीड रहेगी क्योंकि सारा का सारा जो इस वक्त हमारा स्कर्मिश चल रहा है जो युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं वो ईस्टर्न लद्दाख की तरफ ही है ओके okay. ओके okay. तो व्हाट इज एस्कॉन प्रोजेक्ट एस्कॉन प्रोजेक्ट विल बी एन अपग्रेड टू द एग्जिस्टिंग ए सिंक्रोनमस मोर टेक्नोलॉजी इसको हम बोलते हैं ए टीएम टेक्नोलॉजी ठीक है टू इंटरनेट आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग टेक्नोलॉजी यानी कि जो अभी टेक्नोलॉजी इसमें यूज करी जा रही है जिसको हम बोलते हैं ए टी एम टेक्नोलॉजी ए टी एम इज नी एम इज बेसिकली एनकोन ट्रांसफर मोर टेक्नोलॉजी इंटरनेट प्रोटोकॉल और उसके अंदर जो ऑगमेंट करने का काम करता है यानी पैचेज में स्पीड में भेजने का काम करता है वो मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग टेक्नोलॉजी है तो यूपीएससी कई बार इन दोनों चीजों के बारे में एक एक लाइन के सवाल पूछ लेता है तो वो भी मैंने आप लोगों के लिए ऐड कर दिए हैं ताकि अगर कभी सवाल आए या कभी कोई इंटरव्यूइंग ऑफिसर या फिर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए तो आप कम से कम एक एक लाइन के बारे में जरूर बोल पाए हालांकि काफी टेक्निकल है इतना डिटेल में हमें घुसने की जरूरत नहीं है बट मैं आपको बेसिक तो बता ही सकता हूं ठीक है तो इसको हम बोलते हैं ए सिल्कोनस ट्रांसफर मोर टेक्नोलॉजी यानी कि ए टेक्नोलॉजी ठीक है क्या करता है ये नेटवर्क ए टी एम नेटवर्क और कनेक्शन यानी इसमें वॉइस आपकी आवाज डेटा भी जा सकता है और वॉइस जा सकता है डेटा जा सकता है और वीडियो कम्युनिकेशन हो सकती है इट इज डिजाइन टू इंटीग्रेट बोथ डेटा एंड वॉइस नीड्स इन वन नेटवर्क तो अभी तक जो हमारी फौज यूज कर रही है उसमें वॉइस और डेटा चाहे वो आपकी फाइल्स के फॉर्मेट के अंदर हो अलग अलग फाइल्स के फॉर्मेट में हो या जो आपका वॉइस डेटा है वो बहुत ईजिली जा सकता है और जो ए टेक्नोलॉजी है आपका मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग यूज करता है जिसको हम बोलते हैं एम पी एल एस एम पी एल एस क्या करता है सिंप्लीफाई करता है स्ट्रक्चर को और मतलब अगर बहुत ही साधारण भाषा में भेजूँ तो ये एम पी एल एस कुछ नहीं है ये एक तरीके का सिक्स वे हाईवे है वो सिक्स वे हाईवे वो नहीं होता अच्छे जो बड़े बड़े हाईवे होते हैं उस तरीके का है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ ठीक है तो इट इज अ डेटा फॉरवर्डिंग टेक्नोलॉजी दैट द सिक्स लेन हाईवे वो बोलते हैं ना सिक्स लेन हाईवे वो वाला इंक्रीजेज द स्पीड एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ नेटवर्क ट्राफिक ठीक है तो मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग एक तरीके से सिक्स लेन हाईवे जिसमें बहुत तेजी से इंफॉर्मेशन फ्लो हो सकती है ठीक है अब सोचिए जो आपके एस्कोन में अब टेक्नोलॉजी अप्लाई करी जाएगी वो एटीएम टेक्नोलॉजी और एम इन दोनों से भी ऊपर की होगी यानी कि कम्युनिकेशन बिटवीन एट डिफरेंट लेवल बहुत तेजी से बढ़ेगा यानी कि बॉर्डर से लेके फार फ्लंग एरिया से लेके जो आपके हेडक्वार्टर्स है वहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी हेडक्वार्टर तक पहुंचेगी तो ऊपर भी आराम से जा पाएगी ठीक है सो इट डायरेक्ट डेटा फ्रॉम वन नो टू द नेक्स्ट बेस्ड ऑन शॉर्ट पाथ लेबल्स रादर देन लॉन्ग नेटवर्क एड्रेसेस ओके उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर केबल माइक्रोवेव रेडियो एंड सैटेलाइट विल बी यूज फॉर कम्युनिकेशन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क आपको पता ही है ठीक है अगर साइंस में जो हम लाइट का चैप्टर पढ़ते हैं ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं टी आई आर यूज करा होता है वहां पर और जो कम्युनिकेशन है वो काफी ज्यादा तेजी से होती है और वेस्टेज भी बहुत कम होती है टी आई अगर मैं ओफ की बात करूं माइक्रोवेव इन एनी ऑपरेशनल सीन विद ऑलमोस्ट 80 परसेंट आपका इंडिजिनस कंटेंट रहेगा सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड बेटर सर्वाइवेबिलिटी रेस्पॉन्सिवनेस एंड हाई बैंडवर्थ ठीक है तो यानी हाई बैंडवर्थ होगी डेटा अच्छी तरह फ्लो हो पाएगा आपका और मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अस्सी परसेंट यह भारत ही बनाएगा कुछ कुछ चीजें हो सकती है जो हम कि शायद किसी और देश से मंगवाएं जो हमारी कैपेबिलिटी अभी नहीं है बनाने की या फिर जिनको बनाने में भारत बना तो सकता है बट उनको बनाने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा ठीक है सो इन्वेस्टिंग सो मच टाइम इन यू नो टर्निंग द व्हील अगेन ठीक है सॉरी री इन्वेंटिंग द व्हील अगेन इट इज इंपॉर्टेंट कि हम बाहर से ही कोई चीजें ले ले अभी के लिए और धीरे धीरे उसको बनाने की कैपेबिलिटी लाए जैसे अभी भारत के हंड्रेड की भी लिस्ट आई हुई है नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट जो हम इंपोर्ट नहीं करेंगे जो हम धीरे धीरे उसे इंप्लीमेंट करेंगे ओके okay? ओके okay. हाँ, बिल्कुल सही कहा ऋषभ तुमने एचंचुएशन कम होता है ओएफसी में ठीक है इन ऑपरेशनल द प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड बेटर सर्वाइवेबिलिटी रिस्पॉन्सिवनेस हाई बैंडविथ एंड एनहांस द कम्युनिकेशन कवरेज ऑफ नेटवर्क क्लोजर टू आई बी एंड एल ठीक है इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ठीक है तो तीनों के ही नाम लिखे हुए हैं इनका डिफरेंस आपको जरूर पता होना चाहिए हम इंटरनेशनल बॉर्डर किसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल किसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये सारे के सारे टॉपिक मैंने आपको सिक्योरिटी कोर्स में बहुत डिटेल में बताए हुए हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर किसे कहते हैं एलसी किसे कहते हैं एलएसी किसे कहते हैं अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर आप आईसीएस पढ़ाओगे आईसीस में सिक्योरिटी कोर्स में अनअकेडमी प्लस पे पढ़ा चुका हूँ आप वहाँ पर इनरोलमेंट लेके उसको पढ़ सकते हैं वो मैंने काफ़ी डिटेल में पूरे सिक्योरिटी कोर्स में पढ़ाए हैं और सियाचिन के बॉर्डर की भी बातें मैंने आपको समझाई हैं एनी वेज इन ऑपरेशनल सीनारियो तो प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड बेटर सर्वाइवेबिलिटी रिस्पॉन्सिवनेस एक तरीके से देखा जाए तो जैसे एक फ़ोन आता है एक साल बाद दूसरा फोन आता है तो फोन की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है ज़्यादा स्ट्रांग होता है फिर हम बोलते हैं भैया इस पर गोरेला ग्लास लगा हुआ है ठीक है और उसके बाद ये टूटता नहीं है इसकी बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा है एक्सेट्रा 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 इसकी रिस्पॉन्सिवनेस जाता है उसी तरीके से जो सिस्टम आएगा इसकी भी रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा होगी सर्वाइवेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट पॉइंट ऑफ व्यू से वेयर एंड टेयर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेटर सिस्टम होगा ठीक है थ्रू दिस नेटवर्क हाई बैंड कम्युनिकेशन करी जाएगी एक्सटेंड टू देखो तो हाई बैंड वर्थ कम्युनिकेशन का क्या फायदा होगा रिमोट एरिया इन सेंट्रल ईस्टर्न सेक्टर तो अगर आप देखेंगे इसका जो मेन फोकस है चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करा जा रहा है क्योंकि अगर हम लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू में देखें हमारा एनिमी पाकिस्तान की तो एज अ एनिमी कंट्री इतनी कोई ज्यादा औकात है नहीं ठीक है वो चाइना के ही श्रेय में पल रहा है ठीक है चाइना से ही पैसे लेके उस कंट्री का जो है भैया खाना पीना चल रहा है ठीक है तो उसी तरीके से तो जो चाइना है वो मालिक है और पाकिस्तान उसका एक तरीके का नौकर है ठीक है तो इसीलिए अगर आप फोकस होगा आप देखिए ज्यादातर सरकारों का और भारतीय सरकार का भी जो मेजर फोकस है वो चीन की सेक्टर पर है चीन की तरफ है बिकॉज असली करता धड़ता वही है रिसेंट डेज के अंदर नेटो टाइप ऑर्गेनाइजेशन एशिया में क्रिएट करने की बात करी गई काफ़ी सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप और बड़े बड़े नेताओं ने यूरोपियन नेताओं ने जापान की तरफ से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोरिया की तरफ से यूरोप की तरफ से, से आई है जो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर एक संपूर्ण तरीके से एक टोटल व्यू बनेगा जिसके अंदर जो मैंने काफी बार पहले भी बोला था द क्वाड वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द नेक्स्ट टेन टू फिफ्टीन ईयर और उस तरफ मूवमेंट दिख भी रही है ठीक है तो एंड विल ऑल्सो रीच टू द फॉरवर्ड लोकेशन इन द वेस्टर्न बॉर्डर तो आपका जो एस्कॉन है काफी ज्यादा हेल्प करेगा और जो हमारे ट्रूप्स की मूवमेंट है ट्रूप्स की कम्युनिकेशन है उसको सही लेवल पे पहुंचाएगा और फार फ्लंग एरियाज हैं ईस्टर्न लद्दाख बॉर्डर है आपका और जो चीन से सटे हुए बॉर्डर है गांव है और जहां पर हमारी फौजें तैनात है उनकी कम्युनिकेशन को बहुत इंप्रूव करेगा ठीक है द होल प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू ऑगमेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ इंडियन आर्मी इन द सेंसिटिव फॉरवर्ड ऑपरेशनल एरियाज तो फॉरवर्ड ऑपरेशनल एरियाज जो है आपके एफ आप में से काफी सारे बच्चे जब आप लेफ्टिनेंट बनेंगे खासकर कैप्टन बनेंगे आप तो आप इन एरियाज में पोस्ट होंगे स्पेसिफिकली इन्फेंट्री एर इन्फेंट्री में जो आएंगे उनका तो मुझे काफी हद तक पता है दट यू वुड बी पोस्टेड टू दीज एरियाज एंड आई एम वेरी श्योर दैट वेरी सून इन योर लाइफ जब आप आर्मी में चले जाएंगे यू वुड बी यूजिंग द एस्कॉन नेटवर्क ऑल्सो ठीक है कीपिंग इन व्यू दो इन टेंशन जो आपके ईस्टर्न नेटवर्क पर चल रहा है दिस कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट अपग्रेड विल गिव अ बूस्ट टू ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस ऑफ द इंडियन आर्मी इसमें कोई डाउट ही नहीं है जैसे एयरफोर्स के लिए आपके प्लेन्स आ रहे हैं एयरफोर्स को रिसेंटली रफाल मिला इतनी सारी मिसाइल्स मिली है ठीक है और उसके बाद एवॉक्स की भी बात करी जा रही है कि इसराइल से करीबन दस से 12 एवॉक्स की और बात करी जा रही है कि जो दिए जाए उसी तरीके से जो इस टाइप का कम्युनिकेशन नेटवर्क है ये भारतीय थल सेना को काफी मजबूती देगा और जो आपके फार फ्लंग ईस्टर्न एरिया है उससे बहुत ज्यादा कनेक्ट करेंग करेगा ठीक है ओके तो अब मैंने इस यहां पर बात करी है आपकी ईस्टर्न लद्दाख की ठीक है ईस्टर्न लद्दाख की ठीक है कल मैं इसमें टॉपिक लूंगा कि वॉट इज द नीड ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन द ईस्टर्न लद्दाख ईस्टर्न लद्दाख के अंदर भारतीय वायुसेना की जरूरत क्यों है वाई इंडियन एयरफोर्स इज सो इंपॉर्टेंट इन इंडियन इन ईस्टर्न लद्दाख जैसे कि एकदम से हमने इतने सारे रफाल खरीदे हैं इतनी सारी मिसाइल है वॉट इज द बेसिक नीड ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन ईस्टर्न लद्दाख ये वाला जो टॉपिक है आपका कल 10 बजे रात को होगा ठीक है आई विल बी टेकिंग दिस क्लास एट ठीक है जैसे आज ये क्लास साढ़े दस थी कल, कल ये वाली क्लास जो होगी आपकी ये दस बजे होगी ठीक है सिक्स अक्टूबर कल है तो कल ये आपकी क्लास होगी सो डू कम इन दिस क्लास ऑल्सो ठीक है तो बूस्ट टू द इंडियन इंडस्ट्री इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि भैया अपना आई टी आई पी एस यू बना रहा है एट्टी परसेंट इंडिजिनस की बात हो रही है तो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा अभी आपने देखा होगी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर भी बवाल मचा हुआ है आई विल ट्राई टू कवर दैट इशू ऑल्सो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर थोड़ा सा काम करने को इनको बोल दिया गया अकाउंटेबिलिटी की बात कर ली तो वही सोशलिज्म और कम्युनिज्म के झंडे उन्होंने उठा लिए हैं ठीक है तो यही कम्युनिस्ट वाली हरकतें और सोशलिस्ट वाली हरकतें कि हमें काम नहीं करना है और आप सोचिए भारत और चीन जब इतना ज़्यादा गंभीर मुद्दा है उस टाइम पे ये स्ट्राइक पे जा रहे हैं इससे ज़्यादा खराब पेट्रियाटिजम uh, इससे ज्यादा खराब तरीका ये दिखा नहीं सकते थे और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मैंने आपको बोला है हमारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं आप किसी भी जनरल साहब से बात कर लीजिए एयरफोर्स ऑफिसर नेवल ऑफिसर से दीज आर नॉट ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज दीज आर बेसिकली असेंबली लाइन छापो निकालो छापो निकालो यही इनका रहा है ठीक है पंद्रह पंद्रह बीस बीस पच्चीस पच्चीस साल के अंदर फाइलें यहां पर पड़ी रही और इनका अगर आप देखोगे ओवर द इयर्स अगर आप स्टडी करोगे जितनी इन पे इन्वेस्टमेंट हुई और जितना रिटर्न है दीज आर वेरी नेगेटिव इंडस्ट्रीज इसके अंदर इसका कॉरपोरेट uh, करने की बहुत बार कोशिश करी गई है बट हर बार ये अपनी यूनियनबाजी करके खड़े हो जाते हैं जिससे भारतीय सेनाओं को बहुत घाटा हुआ है जो चीज़ हमें दो साल में मिलनी चाहिए वो हमें बीस साल में मिलती है जो चीज़ हमें दस साल में मिलनी चाहिए वो हमें मिलती ही नहीं है तो ये तो ऑर्डिनेंस का है मतलब मैंने बोफोरस के टाइम पे भी उन्नीस में इनके पास पेपर्स आए थे जो कम से कम 2010 तक पड़े ही रहे तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट ऑर्डिनेंस एक सेपरेट सेशन लेके मैं आपको इस मुद्दे को भी समझाने की कोशिश करूंगा कि ये इतनी हड़तालें क्यों कर रहे हैं ठीक है ओके okay. तो विद द यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज हायरिंग होगी मैन पावर की इंप्लायमेंट जनरेट होगी अपॉर्चुनिटी स्पेशली टू पीपल इन रिमोट बॉर्डर एरियाज सपोर्ट एंड बूस्ट द रोरल इकोनमी होगी फिर बेसिकली अगर हमारे यहाँ के लोग बनाएंगे तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली बेटर ही होगी ठीक है या बाकी सारी चीजें यहाँ से पढ़ सकते हैं स्किल डेवलपमेंट होगी ठीक है और आत्मनिर्भर भारत के अंदर तो हेल्प मिलेगी मिलेगी ठीक है ऑल्सो बिग अपॉर्चुनिटी टू द पब्लिक सेक्टर टू शो केज इट्स कैपेबिलिटी प्रोवाइड एन इम्पेटेस टू द इंडियन इकोनॉमी एंड आई होप दैट आई टी आई और ये ऑर्गेनाइजेशन टाइम पर काम कर दें ये नहीं कि ये भी प्रोजेक्ट को लेकर बैठे रहे और यहाँ पर कोई डेवलपमेंट ही ना हो ठीक है इट वॉज ऑल्सो स्टेप इन डायरेक्शन ऑफ ऑफ अचीविंग गोल आत्मनिर्भर भारत जो प्राइम मिनिस्टर का एक पेट प्रोजेक्ट भी है ठीक है टेक कौन सी यूज करी जाएगी द प्रोजेक्ट इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग आईपीएम बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क विद कंबाइंड सैटेलाइट माइक्रोवेव रेडियो एंड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क इसकी बात हमने पहले भी करी थी फुली ऑटोमेटेड रहेगा ऑटोमेटिक रहेगा ये आपका डिजिटल रहेगा प्रोटेक्टेड सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रोटेक्टेड बिकॉज चाइना है और काफी सारे जो नेटवर्क इन्फ्रिंजमेंट करते हैं या फिर आपके नेटवर्क में घुसकर इंफॉर्मेशन चुराने की कोशिश करते हैं उसको भगाना होगा सोचिए अगर चाइना वाला किस्सा ना हुआ होता और चाइना का जो ये रूप है अगर दुनिया के सामने ना आया होता पूरे भारत के अंदर 5G में अगर हुआ ही लग गया होता तो कितनी सारी इंफॉर्मेशन और चीन हमारी कंट्री के अंदर कितना घुस चुका होता सोचिए ठीक है डिपेंडेबल एंड सर्वाइवेबल स्टैटिक कम्युनिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन सैटेलाइट माइक्रोवेव रोडियो ऑप्टिकल फाइबर केबल एंड मिल मेट्रिक वेव कम्युनिकेशन पैरटस जो इसके अंदर यूज करा जाएगा ओके एसकॉन ऑल्सो प्रोवाइड सर्विस फैक्स डेलेक्ट डेटा ट्रांसफर एंड वीडियो टू डिफेंस यूजर्स ऑन दिस नेटवर्क ठीक है तो यहां पर जो आपके क्रिटिकल मतलब जो क्रिटिक्स हैं रादर आप मुझे यह बोलना चाहिए जो क्रिटिक्स हैं मतलब जो हमारे डिफेंस के ऊपर एनालिस्ट है वो लिखते हैं हैव ऑलवेज सेट दिस इज अ वेरी क्रिटिकल नीड ऑफ द इंडियन आर्मी फेज फोर विल प्रोवाइड बेटर सर्वाइवेबिलिटी रिस्पॉन्स ऑपरेशनल सिनारी कम्युनिकेशन कवरेज ऑफ नेटवर्क क्लोजर टू एल ए सी एल ओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर आई बी की जो बात कर रहे हैं जो बात हमने पहले भी पढ़ी सो नाउ एट अ प्लेस लाइन लद्दाख फॉर इंस्टेंस आर्मीज कम्युनिकेशन चैनल विल बिकम मोर तो यानी कि जो नेटवर्क के अंदर खराबी आती है बात नहीं हो पाती है नेटवर्क कट जाता है उसके हिसाब से देखें तो एस्कॉन भारतीय सेना को काफी अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड करेगा ठीक है सो विल रोबस्ट एंड विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू जैम करना भी मुश्किल होगा उसको सो गाइज थैंक यू वेरी मच आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो एस्कॉन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एस्कॉन फोर इज फोर की बात मैं आपसे कर रहा था जहां पर हमने आई की बात करी किस तरीके से बेटर सर्वाइवेबिलिटी रिस्पॉन्सिवनेस और बहुत अच्छा नेटवर्क ये प्रोवाइड करेगा और बाकी सारी चीजें मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं ठीक है हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो कल है दस बजे दैट इज रिगार्डिंग द रोल ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन दिस एरिया दैट इज ईस्टर्न लद्दाख ईस्टर्न लद्दाख पर सेना का बहुत फोकस है और गवर्नमेंट का भी बहुत फोकस है और आई डोंट थिंक सो आई नीड टू टेल यू व्हाई इट इज दैट हम सबको ये बात पता है अदर क्रूशियल वीडियोस जो आप इस चैनल पे देख सकते हो अभी तीरथ का वीडियो भी रिलीज हुआ है जिसके अंदर उन्होंने अपनी एस की डिटेल स्ट्रैटेजी डिस्कस करिए जिसको आप देख सकते हैं तीरथ कुमार इज रैंक थर्टी इंडियन मिलिट्री अकेडमी ही जस्ट एज ज्वाइन दी आई में आप उनका वीडियो उनकी एसएसबी स्ट्रेटेजी उनकी रिटर्न स्ट्रैटेजी को देख सकते हो सी के भी टॉपर्स के बहुत सारे वीडियोज हैं अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारा आपको कंटेंट फ्री में मिल जाएगा अगर आपको टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो वो आपको किसी भी वीडियो के नीचे मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में आप किसी में जाइए तो पिन करा हुआ है टेलीग्राम चैनल का लिंक जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है और अगर आप अन अकेडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड है संजय टू जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं दिस इज माय रेफरल कोड संजय टू इसको यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं जिसका टेन डिस्काउंट मिलेगा ठीक है एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड जरूर uh, दोस्तों घंटी जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए हम कल फिर मिलेंगे दस बजे और इंडियन एफ की बात करेंगे ईस्टर्न लद्दाख में थैंक यू वेरी मच जय हिंद बाय बाय